वार्ड नंबर 20 से आपकी पत्नी चुनाव मैदान में खड़ी है, आप अपने मतदाताओं से चुनाव को लेकर क्या अपील करेंगे? सबसे पहले हम कहेंगे निर्भीक होकर मतदान करें और जलपान के व्यवस्था से पहले घर निकलकर मतदान करें, बूथ पर जाएं और मतदान करें। सबसे पहला उनका कार्य यह होना चाहिए, लोकतंत्र पर विश्वास करना चाहिए। वार्ड नंबर 20 की जनता से आपने अपील कर दिया, आप एक प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं, तो अपने मतदाताओं से क्या चाहेंगे, बदलाव या फिर वही पुराना? अगर हम बदलाव नहीं चाहेंगे तो हम प्रत्याशी क्यों होते जी? यह तो संशय का विषय आपने रख दिया है। और निश्चित हम विश्वास में हैं, जनता बदलाव के मूड में है और हमें जनता निश्चित चुनाव जिताती है, तो हम निश्चित अच्छे कार्य करके दिखाएंगे। यह मेरा प्रयास है, जितना हो सकता है 5 वर्ष में हम अच्छे, तो 20 वर्ष में लोगों ने काम नहीं किया तो आप 5 वर्ष में मैं करके दिखाऊंगा। किस तरह का कार्य वार्ड नंबर 20 में अगर आपकी प्रत्याशी राखी कुमारी बनती है तो? सबसे पहले ढक्कन बंद नाला हम करवाएंगे और मुख्य नाला से हर नलियों को जोड़ेंगे, मेरा यह प्रयास है। पानी लगना है इसको भी जो कार्य से कितना संतुष्ट है या क्या कुछ अलग होगा? आप लगातार मुद्दों को लेकर वहाँ राजनीति करते हैं या सड़कों पर उतरते हैं, बातों को रखते हैं, तो आपके वार्ड में मूलभूत समस्या क्या है? मूलभूत समस्या नाली जो है, ढक्कन बंद नाली एक भी नहीं है, जिन कारण मलेरिया का बीमारी, अन्य विषैले बीमारी जो होते हैं, वह सबसे बड़ा मुख्य कारण नाला है। और भी कुछ है? मेरी योजना अपनी है कि गरीब लोग जो असहाय लोग हैं, जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन या राशन कार्ड का ऑनलाइन कराने जाते हैं, उनको शुल्क लिया जाता है। किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर एक कार्ड मेरा देंगे, वह कार्ड 5 वर्ष तक लागू रहेगा चुनाव जीतने के बाद, और वह ऑनलाइन सेंटर पर जाएंगे। मेरी एक ट्रस्ट है, जयप्रकाश एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, उसके मैं सेक्रेटरी हूँ, उस अकाउंट से डायरेक्ट उस मतदाता का अकाउंट से पैसा कट जाएगा। चुनाव चिन्ह क्या है, आप अपने वार्ड के लोगों से बता दें? मेरा कलम दबा चुनाव चिन्ह है और एक नंबर पर है, और अच्छे विश्वास के साथ मतदाता है और मतदाता से हम उम्मीद करते हैं यह चुनाव हमें जिताएंगे और भारी मत से जिताएंगे, यह हमें विश्वास हो रहा है। यानी वार्ड नंबर 20 में इस बार परिवर्तन होगा? एकदम परिवर्तन होगा, लोग शासन से परेशान हो चुके हैं, जो कोई भी शासन 20 वर्ष तक रह जाता है तो जनता बदलने के मूड में आ जाती है, और जनता इस बार बदलने के मूड में है। निश्चित हमें विश्वास है जनता वार्ड नंबर 20 की प्रत्याशी राखी कुमारी को बहुमूल्य मत देकर भारी मत से जिताएगी। आपके हमारे वार्ड में 20 साल से हमारे पुराने कैंडिडेट ये थे वार्ड पार्षद, उन्होंने भी जो भी किया ठीक किया। अब हम लोग का मूड विचार यही है कि अब बदला जाए, और संतोष बाबू को हम लोग लाने की इच्छा में हैं, और हम लोग का प्रयास है कि भारी मत से इनको लाएंगे और उम्मीद के साथ लाएंगे, और हम लोग को उम्मीद भी है कि हमारे वार्ड में हर वार्ड से बढ़िया वर्क मिलेगा और हर समस्या से समाधान का रास्ता भी हमको मिलेगा। पिछले बार बहुत कम अंक से शायद चूक गया था, क्या इस बार लोग अपना पूरा समर्थन आशीर्वाद प्यार का मतलब ये है कि हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार बदल दें, और बदले भी तो इतनी उम्मीद से हम लोग हैं कि भारी मत से इस बार जिताने के वार्ड परिषद को हम लोग हैं, और वार्ड में सदस्य को बदलने के भी मूड में हैं, और बदलेंगे जाए इस बार भारी मत से, इसलिए कि अगला बार भी 20 साल वो भी किए, बदलना भी ज़रूरी आता है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं बदलने के लिए। मौका सबको मिले, काम सबको ही करना है, और इस वार्ड से में ऐसा है कि वार्ड परिषद हमेशा चेंज होने वाला चीज़ है। 20 साल हो गए किए, बहुत किए, अब हम लोग के मूड में। और क्या परिचय क्या हुआ? मेरा नाम इकबाल हुआ, मैदेवा रोड घर हुआ।